आपकी एज में इस तरह की सोच आई, उनकी किताब लिखी, कई सब्जेक्ट किस तरह देखते हैं? एक्चुअली जो हमारी बैकग्राउंड है वो एक एजुकेशन बैकग्राउंड है। रांची के नाना जी ऑलरेडी एक प्रिंसिपल रिटायर्ड है और उन्होंने 63 इयर्स की एज में PhD अपनी कंप्लीट की है एजुकेशन में, और डेडिकेशन फैमिली से है। और स्कूलिंग में के अंदर भी रांची ने अपने स्कूल के पूरे कोर्स में स्कूल को टॉप किया है, एकेडमिक्स में भी। अभी स्कूल की हेड गर्ल अनाउंस हुई है कल, बट इसका एक थीम रहा है जो एक कोई भी प्रॉब्लम सोशल चल रही है, किसी को हम झेल रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता जब तक उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती। तो इसलिए अपनी बुक के जरिए मीडिया, मतलब आपके थ्रू या अपनी बुक के थ्रू, ये बताने की कोशिश की है कि जो मॉडल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं लाइफ में अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि अलग तरह के होते हैं, वो अपनी डाइट से भी कॉम्प्रोमाइज़ है, उनको कहीं कहीं। आपको कब से आपको आपने लिखना शुरू करा, जब आपके मन में कभी सोच आया, कितना टाइम लगा आपको? मैंने जब मैं 15 ईयर्स की थी, 2020 मई में शुरू करा था लिखना, तब मेरे माइंड में था कि मेरे को ये आइडिया है, मैं इस पर लिख सकती हूँ। पर मैंने 5 चैप्टर लिखे अराउंड 1 महीने के अंदर अंदर, और फिर लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन में अचानक स्कूल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा, फ्रेंडशिप्स में, घर में कई सारे लॉसेज हुए, तो उसकी वजह से बुक रुक गई थी। और एक पूरे साल तक फिर मैं नहीं लिख पाई उसको। अगले साल 2021 में अराउंड सेम महीने में, मई 2021, मैंने फिर से शुरू करी, एंड इस बार ये था कि ख़त्म करनी है। तो मैंने 1.5 महीना लगाया, रात को मैं 12 बजे लिखने बैठती थी, सुबह 4, 5, 6, 7 बजे तक, और फिर ऐसे करते करते 20 चैप्टर्स मैंने बाकी के इस बुक के 1.5 महीने में। लाइफ में कभी कोई ऐसा मन में कोई थॉट जिसको लेकर आप चाहते हैं कि इसको लेकर एक बुक आपकी होनी चाहिए, उसको लेकर आप प्लान करेंगे, सर्च करें, ऐसा कुछ? एक पर्टिकुलर थॉट तो नहीं है, लेकिन मेरी राइटिंग जो सारी होती है वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस, मैं कैसी फील करती हूँ उसके ऊपर होती है, बहुत रियल होती है। तो जैसे 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 मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस बढ़ाऊंगी, लोगों से मिलूंगी, कहानियाँ सुनूंगी, उन्हीं के ऊपर। किताब डेढ़ साल उसे लगा इस किताब को लिखने में, किस तरीके से इस बुक को देखते हो? आजकल जो बच्चे हैं खासकर इस तरीके की, क्या कहेंगे इसको लेकर, इस किताब को लेकर आप किताब देखेंगे? देखो, बींग दी एजुकेशनिस्ट या एक शिक्षाविद होने के नाते पिछले 10 सालों में मेरे ख्याल में 5-6 बुक लॉन्च पे जाने का मौका मिला। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये फैमिली के किसी छोटे बच्चे ने बुक लिखी है, और जैसे गूगल करके पहले वाले वक्ता बता रहे थे कि टीनेजर्स कितने हैं इंडिया में जिन्होंने बुक लिखी है, तो गूगल को जवाब नहीं दे पा रहा, तो ये अपने आप में एक इमेंस फीलिंग है। सबसे बड़ी बात कि जो मॉडर्न एज की प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई मेरे ख्याल में जिस एज ग्रुप में है आज की जनरेशन में, वो अच्छा दिखना चाहता है। अच्छे दिखने के ऊपर बुक लिखना, हमने बहुत सारी फिल्मों के थ्रू जाने की कोशिश करी, बट वो आई गई बात हो जाती है। अब आपके हाथ में एक बुक है, और सबसे बड़ी बात तो क्योंकि मैं बार बार कई सारे स्कूल का संचालन कर रहा हूँ, तो एक ऐसा बच्चा जो 11वीं 12वीं में बुक लिख सकता है, तो उसके आने वाले दिनों में या उसका जो थॉट प्रोसेस है वो आप दूसरों को एग्जांपल दे सकते हो कि यदि आज की डेट में भी कोई बच्चा बुक लिखने की प्रेरणा पाता है, नहीं तो जैसे ओलंपिक का टाइम है, कोई ओलंपिक की तरफ जा रहा है, या फिर एजुकेशन में डॉक्टर इंजीनियर की लाइन ख़त्म हो जाती है। मैं तो सबसे बढ़िया दुनिया मानता हूँ कोई पत्रकारिता की, आपकी भी बात करें।